हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई डी आई वाई एंड रिव्यू में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे घर पे पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर बना सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक बॉक्स, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे ये MDF बोर्ड। ये आप कहीं से भी जो फ्रेम करते हैं, फ़ोटो फ्रेम वगैरह करते हैं, उनके यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं और ये बहुत सस्ता है। दूसरा, पहले मैं आपको इसकी डायमेंशन बता देता हूँ। डायमेंशन डिपेंड करती है आपके स्पीकर पर, आपका स्पीकर कितना बड़ा है। ये मेरे पास 3 इंच का डायमीटर का स्पीकर है। इसी तरीके से आपको 2 पीस ऐसे लेने हैं जिसमें ये स्पीकर फिट हो जाए। तो मेरे पास अभी 2 स्पीकर्स हैं, मैं इन दोनों स्पीकर्स को इसमें फ़िट करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से, हॉट ग्लू गन की मदद से। तो आइए ये स्पीकर्स को फिट कर लेते हैं। पहले एक बार आप इनको चिपकाने से पहले एक बार देख लीजिए क्या ये बिल्कुल सही बैठे हैं या नहीं। तो अभी ये बिल्कुल सही इसमें फिट हो चुके हैं। आइए इसको हॉट ग्लू गन की हेल्प से फिक्स कर देते हैं। दोस्तों, अभी मैंने ये स्पीकर्स को हॉट ग्लू गन से इसमें चिपका दिया है। और अभी ये मैंने एक तीसरा होल यहाँ पे बनाया है बास कंपनसेशन के लिए। और इसमें मैं एक ये इस तरह का ये लगाने वाला हूँ। ये मैंने डॉक्टर टेप से निकाला है, जिसका मैंने एक तरफ से ये इस तरह की जो ये थी काट दी है। और ये अब मैं बास कंपनसेशन के लिए इसमें लगाऊंगा। तो आइए दोस्तों, इसको लगा देते हैं। ये आप इसमें आराम से फिट कर सकते हैं ऐसे। और इसको भी यहाँ से मैं हॉट ग्लू से फिक्स कर दूँगा। अभी दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है एक एम्पलीफायर। तो ये मेरे पास एक एम्पलीफायर है, ये PAM 8403 मिनी ऑडियो एम्पलीफायर है। आप देख सकते हैं PAM 8403 मिनी ऑडियो एम्पलीफायर। आप इसे लगभग 100 से 150 रुपये में परचेज़ कर सकते हैं। और इसको हम इसके लिए मैं आपको ख़ास बात बता देता हूँ कि अगर आप ये वाला एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं तो जो आपके स्पीकर्स हैं, ये देखिए मेरे ये स्पीकर्स 4 ओम के हैं, 4 ओम 5 वाट के हैं, तो ये हमें 3 वाट की आउटपुट देता है। तो मेरे पास ये 5 वाट के स्पीकर्स हैं और ये 4 ओम है। मेन चीज़ है कि आपके स्पीकर कम से कम 3 वाट हो और 4 ओम हो। 4 ओम पे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि इम्पीडेंस मैचिंग अच्छी हो जाती है। तो 4 ओम के स्पीकर्स होने चाहिए आपके दोनों। तो सबसे पहले आपको ये यहाँ पर इसको हॉट ग्लू की हेल्प से चिपका देना है। आइए दोस्तों, इसको भी हम हॉट ग्लू की मदद से चिपका देते हैं यहाँ पर। दोस्तों, मैंने ये भी यहाँ पर हॉट ग्लू की मदद से चिपका दिया है। अभी आपको एक ब्लूटूथ की किट चाहिए जो कि कुछ ऐसी दिखती है। ये एक ब्लूटूथ की किट चाहिए आपको। इसके साथ आपको ये कनेक्टर मिलेगा जो कि यहाँ पर इसके आउटपुट का कनेक्टर होगा, ठीक है दोस्तों। और एक इसका दूसरा आपको कनेक्टर मिलेगा जो कि पावर के लिए हम यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा दूसरा वाला कनेक्टर जो हम इसमें पावर में यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपको चाहिए एक 4 वोल्ट की बैटरी। ये मेरे पास एक 4 वोल्ट की 1.5 एम्पियर आवर की बैटरी है। और आपको चाहिए एक स्विच, ये मेरे पास एक स्विच है। और एक ये कनेक्टर इस टाइप का, ये एक टाइप का जैक, ये हम बैटरी चार्ज करने के लिए यूज़ करेंगे। दोस्तों, अब जो हमारा अगला स्टेप है वो है हम इस एम्पलीफायर से स्पीकर्स को कनेक्ट कर देते हैं, सोल्डर कर देते हैं। वो मैं सोल्डर करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, अभी आप देख सकते हो मैंने इसके कनेक्शंस कर दिए हैं स्पीकर्स से। ये मैंने राइट के कनेक्शन कर दिए हैं इधर से इस स्पीकर के साथ, और लेफ्ट के स्पीकर के कनेक्शन कर दिए हैं इसके साथ। तो अभी हमारा जो अगला स्टेप है वो है हम यहाँ से इसकी 5 वोल्ट की पावर सप्लाई देंगे। 5 वोल्ट की पावर सप्लाई के कनेक्शन यहाँ से करेंगे और यहाँ पर हम इनपुट देंगे जो कि हमारे ब्लूटूथ किट की
जो ये वाला वायर था जिसमें जो ये वाली कनेक्टर था, इसको कनेक्ट करो, हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। मैं अभी सोल्डर करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, मैंने जो ये कनेक्टर था जिससे हम जो हम ब्लूटूथ के आउटपुट से लेंगे, उसके मैंने यहाँ पर ये तीनों कनेक्ट कर दिए हैं। ये लेफ़्ट है, ये राइट है और बीच वाला ग्राउंड है। इसमें सिंपल ऐसे ही कनेक्ट करना है। इस किट में भी ये एक लेफ़्ट है, एक राइट है और बीच वाला ग्राउंड है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें भी तीन वायर हैं, लेफ़्ट राइट और बीच वाला ग्राउंड, सिंपल। और इसमें से मैंने ये जो पावर सप्लाई के कनेक्शन हैं वो भी आप देख लीजिए, मैंने पावर सप्लाई के कनेक्शन कर दिए हैं। और मैंने इसके पावर सप्लाई और ब्लूटूथ की पावर सप्लाई को, ब्लूटूथ किट की पावर सप्लाई को पैरेलल में जोड़ दिया है। और मैंने ये वायर निकाल ली है स्विच में लगाने के लिए, ठीक है। और अब जो हमारा अगला स्टेप है, वो अगला स्टेप हमारा है कि हम जो एक हमें 6 साइड्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तो मैं यहाँ पर ये बैक में आ जाएगा और ये इसके ऊपर आ जाएगा, और हमें बाकी 4 साइड्स भी कवर करनी होंगी इसकी, इधर से, इधर से, इधर से और इधर से। तो आपको जिधर की साइड इसका फेस रखना है उस साइड आप इसमें ब्लूटूथ की किट लगा सकते हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ लगा के कि कैसे करनी है। दोस्तों हमारा जो अगला स्टेप है वो ये है कि हमें इस तरह का एक बॉक्स तैयार कर लेना है जो 1, 2, 3, 4 साइड और 4 साइड से कवर है। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इस साइड में एक स्विच लगा देना है, और एक ये हॉट ग्लू की मदद से आप देख सकते हो, मैं इसमें स्विच लगा दिया है और ये एक चार्जिंग का जैक लगा दिया है, ये इस तरीके से। अभी जो ऊपर वाली साइड आएगी वो जहाँ जो ये साइड होगी वो स्पीकर की साइड होगी, लेकिन उससे पहले हमें एक साइड और प्रिपेयर करनी है जिसमें हम देखेंगे, जिसमें हमें ये ब्लूटूथ का मॉड्यूल फिक्स करना है कुछ इस तरीके से। और ये साइड आपको यहाँ पर लगा देनी है, वो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। अभी आप जब इस बॉक्स को कंप्लीट कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देख लीजिए दोस्तों। और अभी जो मेन चीज़ हमें करनी है वो है इसके कनेक्शंस। कनेक्शंस कैसे करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और एक बार आपको मैं डायग्राम से भी समझा देता हूँ ताकि इजी रहे। अभी दोस्तों मैं कनेक्शंस का डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको। अभी दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जितने भी ग्राउंड हैं, जैसे कि ये वाला ग्राउंड है, ये वाला नेगेटिव है और ये वाला नेगेटिव है, इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जहाँ से हम चार्ज करेंगे, जो मैंने चार्जिंग के लिए ये स्लॉट लगाया है ये वाला, इसका भी नेगेटिव हम मान लीजिए कि चार्जिंग स्लॉट है, और इसका भी ग्राउंड हम इससे कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो चार्जिंग का पॉजिटिव है उसको हम बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और चाहे तो आप एक यहाँ पर डायोड लगा सकते हो, मर्जी है आपकी, आप डायोड लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो इसका पॉजिटिव है, ब्लूटूथ किट का पॉजिटिव और पैम 8403 का जो पॉजिटिव है, उसको आपस में कनेक्ट करके स्विच पे कनेक्ट करना है, यहाँ पे स्विच के एक टर्मिनल पे। और स्विच के दूसरे टर्मिनल से हमें ये यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। और ये इसके पूरे कनेक्शंस हैं, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो ये डायोड अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, और डायोड की पोलैरिटी भी यही होगी जैसे मैंने दिखाया, इधर डायोड का पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसके पूरे कनेक्शंस करके दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसा मैंने बताया था, मैंने वैसे इसके कनेक्शंस कर दिए हैं अंदर, मैं आपको ये दिखा नहीं सकता कि ये थोड़ा सा तार छोटा पड़ रहा है मेरा, जो मैंने पावर का जोड़ा है ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है उसकी वजह से, लेकिन आप अगर कनेक्शंस बिल्कुल वैसे ही करेंगे तो ये बिल्कुल सही काम करेगा। इसके अलावा अगर आप हॉट ग्लू गन यूज़ कर रहे हैं तो ये जो इस तरह के इसमें डर्ट रह जाती है वो निकाल दीजिए, हॉट ग्लू की जो ये डर्ट है वो निकाल दीजिएगा, इससे आपको काफ़ी
फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कई बार इनकी वजह से थोड़ा झंझनाहट आ जाता है साउंड में। और ये मैंने FM की वायर भी इधर से निकाल दी, जो एंटीना था FM का वो भी मैंने निकाल दिया है, उसमें मैंने एक्स्ट्रा वायर जोड़ के निकाल दिया है इसको। अभी मैं इसको कंप्लीट बंद एक बार टेस्ट करने के बाद करूँगा। आइए इसको टेस्ट करते हैं। तो अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ दोस्तों, अभी मैंने इसको क्लोज़ नहीं किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने इसको क्लोज़ नहीं किया है कम्प्लीटली, लेकिन मैंने इसको अभी ऑन कर दिया है और आप देख ले सकते हैं ये ब्लूटूथ मोड में है और मैंने इसको अपने फ़ोन से पेयर कर लिया है। अभी मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। मैं गाना प्ले करने वाला हूँ दोस्तों अभी। एक सेकंड दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, ये आप सुन लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि USB जैक चार्जिंग के लिए, या फिर एक DC to DC बूस्ट कन्वर्टर आता है वो भी आप जोड़ सकते हैं, ताकि इसमें से आप बैटरी से पावर लेके पावर बैंक की तरह भी यूज़ कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल। थैंक यू दोस्तों।